सो हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि यार सब लोग ठीक होंगे। गाइस स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज का ये वीडियो, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि होने वाला है एक न्यू ट्रक मोड जो कि है फास्ट वे का एक ट्रक मोड। तो गाइस देखने में आपको कुछ इस तरह से इसका लुक मिल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में उस ट्रक का पूरा रिव्यू करने वाले हैं, आपको बताने के उसमें क्या खास है, उसमें क्या अच्छा है। तो गाइस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे गेम की वीडियोज़ हर रोज़ हमारे चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें लुक में तो कुछ इस तरह का हमें मिल जाता है, हमें ऊपर जो आइसर की स्किन है उसके साथ हमें ये फास्ट वे का जो ट्रक है वो हमें मिल जाता है गाइस, जो कि एक आइसर ट्रक आपने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, पीछे भी हमें ये लिखा हुआ मिल जाता है। तो गाइस देखने में हमें कुछ इस तरह का मिल जाए, आप लोगों ने देख लिया। तो अब उसकी बात करें स्पीड की, तो स्पीड तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन चलो अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। तो ये आइसर स्किन के साथ हमें मिल जाती है गाइस, तो ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छा है मुझे लगा। तो अब आपको बात करके उसमें क्या क्या साथ फंक्शन है, तो फंक्शन तो जो हमें सभी व्हीकल्स के साथ मिलते वही है। हमें इसमें 3 एनिमेशन की या कोई भी एनिमेशन की नहीं दिया गया है, तो आपको इस तरह से इसमें ये देखने को मिल जाएंगे। तो यार गाइस कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और यार अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। इसके डोर ओपन कर तो हमें कुछ इस तरह कैसा देखने को मिल जाते हैं, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा दिख रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा। तो यार अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ खास नहीं है, बस यही देखने ये इसमें इतना ही है। अगर हम वाइपर ऑन करते हैं, मैं जो गुड्स कैरियर लिखा हुआ आता है वो भी इस पर वर्क करता है, तो उसमें थोड़ा चेंजेस करना लायक था, लेकिन नहीं चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल जा रहा है। अंदर से डैशबोर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो डैशबोर्ड में हमें इस तरह का स्टीयरिंग मिल जाता है, हमें मैप भी मिल जाता है, और साथ ही साथ वर्केबल हमें जो स्पीडोमीटर होता है वो भी हमें मिल जाता है। अगर हम पार्किंग लाइट की बात करें तो आप लोग देख रहे हैं कि वो भी इसमें हमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पार्किंग लाइट ऑन हो गई है। तो यार आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यार अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही गेमिंग के वीडियोज़ हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।